Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rayson Bhatt and I am a teacher at Powai Higher Secondary School, Haryal. This is for class 10th subject science. My today's topic is isomers. तो आज हम isomers के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसमें जो phenomenon involved हो जाएगा उसका नाम है isomerism. तो जो isomers है ये क्या है ये जानने के लिए हम ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है ना? जो अगर हमारे पास एक inorganic compound है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए मेरे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑफ द फार्मूला Ab2, मेरे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी फार्मूला है Ab2. तो ये जो Ab2 फार्मूला एक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन स्ट्रक्चर, और वी कैन सी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन स्ट्रक्चर. तो ये एक ही स्ट्रक्चर से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है ना? लेकिन मामला जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या हम देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम ये देखते हैं अगर ये एक फार्मूला है एक कंपाउंड की, एक फार्मूला है Ab2, तो इस Ab2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट से भी, स्ट्रक्चर सेकंड से भी, स्ट्रक्चर थर्ड से भी, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर हम एक कंपाउंड को एक या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म. मैं रिपीट करूँगा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखते हैं कि एक जो फार्मूला है कंपाउंड की उसको हम उस कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर से, ठीक है ना? लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मामला जो है वो डिफरेंट है. उसमें जो एक कंपाउंड है उसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड जिसकी एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म. जैसे कि मेरे पास अगर मेरे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेरे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये है H2SO4 की स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर है H2SO4 की, H2SO4 जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड है, ये इसकी फार्मूला है H2SO4, तो इसको हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है ये. लेकिन अगर हम ब्यूटेन की बात करेंगे C4H10, दैट इज ब्यूटेन, ठीक है ना? जो ये ब्यूटेन है इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक ये है कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन कार्बन को हम रखेंगे स्ट्रेट, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीन को रखेंगे स्ट्रेट, एक को रखेंगे ब्रांचड, ठीक है ना? अगर हम बात करेंगे इसकी तो ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH3, तीन छः और चार हो गए 10. तो इसकी जो फार्मूला है वो है C4H10, ठीक है ना? अगर हम बात करेंगे इसकी तो ये CH3, ये है CH3, ये है CH3, ये है CH, 3 3 6 3 9 और 1 हो गए 10. इसकी फार्मूला है C4H10, ठीक है ना? तो अगर हम बात करेंगे ब्यूटेन की फार्मूला C4H10, तो ये जो है ये है N ब्यूटेन, तो ये जो है ये है आइसोब्यूटेन. इसका मतलब है अगर हम एन ब्यूटेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे वो है C4H10, आइसोब्यूटेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे वो है C4H10. इसका मतलब है ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है. इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स. एंड इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म. इस फिनोमेना को नाम देते हैं आइसोमेरिज्म. तो क्या है आइसोमर्स? सो द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सच कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स. तो ब्यूटेन में कितनी आइसोमर्स हमने देखी? दो आइसोमर्स है ब्यूटेन में, ठीक है ना? तो ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स है? दो. तो ब्यूटेन की बात करेंगे, ब्यूटेन इट इज C4H10, इसमें जो नंबर ऑफ आइसोमर्स वो है दो, ठीक है ना? एंड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. ऐसे ही अगर हम पेंटेन की बात करेंगे, पेंटेन इट इज C5H12, तो यहाँ पे
तीन पॉसिबिलिटी है। एक यह है कि हम पांच कार्बन्स को स्ट्रेट रखेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच को स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है ना। और एक पॉसिबिलिटी यह है कि चार को स्ट्रेट रखेंगे, चार को स्ट्रेट रखेंगे, एक को ब्रांच में रखेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि तीन को स्ट्रेट रखेंगे, ऊपर एक नीचे एक, यही पॉसिबिलिटीज है। अगर आप बोलोगे कि हमने ये कार्बन यहाँ पे रखा, चलो यहाँ पे नहीं रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो और एक पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं वो यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, वो रिपीट हो जाएगी। तो तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, तो मैं लूंगा नाम CH3, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH2, CH2, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, तो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3। आपने ये पढ़ा है, मैंने आपको ये पढ़ा है, ये है एन पेंटेन, ये है एन पेंटेन, ये वाला है आइसो पेंटेन, एंड दिस इज नियो पेंटेन, ये है नियो पेंटेन, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे एन पेंटेन की, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, कार्बन है कितने, पांच, एक दो तीन चार पांच, तो हाइड्रोजन कितने हैं, तीन दो छः, दो आठ, दो दस, तीन दो, सॉरी तीन दो पांच, दो सात, तीन दस, दो बारह, तो ये है C5H12। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच कार्बन है, इट इज C5H। कितने हैं, तीन तीन छः, छः तीन नौ, नौ तीन हो गए 12H12। यहाँ बात करेंगे तो कार्बन कितने हैं, पांच, एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पे तीन 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 हो गए H12, ठीक है ना। तो एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, ये क्या है, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जो पेंटेन है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, तो पेंटेन में कितने आइसोमर्स है, तीन आइसोमर्स है। ऐसे हमारे पास जो हेक्सेन होता है, आप प्रैक्टिस करना है इसके लिए, तो हेक्सेन जो है इट इज C6H14, इसमें जो नंबर ऑफ आइसोमर्स है दैट्स 5। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले आप स्ट्रेट में 6 रखना, ठीक है ना, उसके बाद 5 रखना स्ट्रेट में, उसके बाद 4। सो लुक एट द पॉसिबिलिटीज टू ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टॉपिक आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स।